हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं आप लोगों के लिए वेडिंग ब्लॉग का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और देखिए, अभी हम लोग चौरा से लौट रहे हैं और डांस वगैरह करके, और थोड़ा सा ही दूर है, बट पांडे जी गाड़ी लेके आ गए थे और बोले तुम लहंगा लेके कब से इसमें परेशान हो, इसलिए तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तो बैठ जाओ। तो बहुत ही स्वीट लगा मुझे ये चीज़ उनका। और ये देखिए, अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और जा रहे हैं चेंज करने थोड़ी सी ज्वेलरी, क्योंकि मैं ऐसे ज्वेलरी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इसके साथ थोड़ी हैवी सी पहनूंगी लहंगे के साथ। तो ये देखिए, मैंने चेंज कर लिया है और यहाँ पे हम लोग सब अपनी फैमिली बैठ गए हैं गाड़ी में और चल रहे हैं, बारात के लिए निकल रहे हैं। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, निकल रहे हैं बस बारात के लिए। और मेरी इस गाड़ी में है कौन कौन है? मेरी दीदी, हेलो हेलो, और मेरी छोटी दीदी और आकांक्षा बारात में। आकांक्षा से आप लोग मिल चुके हैं और ये है कुहू बेबी, ये कितना क्यूट है, है ना? और ये ध्रुही, ध्रुही भी कितना क्यूट है, देखो ध्रुही बेबी। और बस रेडी है, निकल रहे हैं। सारे जेंट्स लोग जा चुके हैं, हम लोग लेडीज पीछे से जा रहे हैं, तो अभी चल रहे हैं हम लोग। और आज चल के आप लोगों को आगे के ब्लॉग शेयर करती रहूंगी, बारात भी दिखाऊंगी। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग बारात में आ गए हैं और देखिए यहाँ सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, उनको यहीं पे बिठाया गया है। और ध्रुही बेबी भी हमारी बैठी है और इसको हम लोग बोल रहे हैं कि अपना फुल लुक दिखाओ, तो ये खड़ी होकर दिखा रही है। तो हम लोग आ गए हैं बारात में और इस समय हो रहा है रिफ़्रेशमेंट, तो सब लोग पानी वगैरह पी रहे हैं और नाश्ता वगैरह जो भी दिया जा रहा है वो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा है बारात में। और बहुत ज़्यादा मैं शूटिंग यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये गांव का माहौल है और गांव में बड़े बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं या फिर जो यंग भी हैं वो भी इतना ब्लॉगिंग को नहीं समझते हैं, और उनके लिए अजीब सी चीज़ होती है कि कोई लेडी हमेशा कैमरा लेके घूमती रहे और ब्लॉगिंग करती रहे, तो उनको ये चीज़ मतलब समझ में नहीं आती या फिर उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, पर जितना मेरे हाथ में था मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे देखिए, मैं अपना लुक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से देखिए, घर की सारी लेडीज़ आई हुई हैं, भाभी लोग, घर की सारी बच्चियाँ, सब लोग हम लोग आए हैं और सब बैठे हुए हैं देखिए यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में ही वरमाला होगी और वरमाला के बाद फिर हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएँगे, उसके बाद डिनर वगैरह करेंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। तो गांव की शादियों में लेडीज़ का वैसे बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है बारात में जाने का, बट आजकल फिर भी ज़माने के साथ सब बदल रहे हैं तो लेडीज़ जाने लगी हैं बारात में, तो हम लोग भी आए हैं। बट पूरी रात हम लोग नहीं रहने वाले हैं, हम लोग अभी डिनर वगैरह करके और फ़ोटोशूट वगैरह करा के चले जाएँगे। तो यही सब चल रहा है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वरमाला शुरू होगी है। तो सबसे पहले बारात जब जाती है तो द्वार पूजा की रस्म होती है, मतलब गेट पे जो वेलकम होता है, एक तरीके से एक पूजा होती है, तो वो होगी, उसके बाद में फिर वरमाला होगी। तो देखिए यहाँ पे वरमाला हो रही है, बट इतने सारे लोग हैं जो खड़े होकर देख रहे हैं तो कुछ भी दिख नहीं रहा, तो सॉरी मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। और ऐसा कुछ यहाँ का है, और बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉगिंग यहाँ पे की नहीं, मैंने वैसे इतना कैमरा उठाया नहीं, बस जो भी थोड़ी बहुत क्लिप्स मिली है दूसरों के फ़ोन से वो लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। मैंने अपना कैमरा जो है बिल्कुल भी नहीं निकाला था, क्योंकि देखिए मेरे हाथ में भी फ़ोन नहीं है मेरा, और इस तरीके से बस मैं दूसरों के साथ हालचाल करने में, बोलने में और ये सब में ही टाइम बीत गया, और ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि ब्लॉगिंग करूं या फिर लोग उस चीज़ को समझते भी नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ये अच्छा नहीं समझा कि मैं ब्लॉगिंग करूं। ये थोड़ी सी कुछ क्लिप्स हैं जो दूसरों के फ़ोन से मुझे मिल गई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ी देर में होगी वरमाला तो हो गई है, फिर जब स्टेज पर बैठ के सब फ़ोटो शूट करवाएँगे,
तो उसकी पिक्स मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं डिनर करने बुफे एरिया में और वरमाला हो चुकी है और सब लोग अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। हम लोग करवा के आ गए हैं और यहाँ पे बुफे एरिया में सब लोग देखिए डिनर कर रहे हैं और हम लोग भी आए हैं और यहीं पे हमें थोड़ा सा टाइम मिला क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़े बुज़ुर्ग लोग नहीं थे तो घूंघट पल्ला हम लोग थोड़ा अपना खोल के और अच्छे से फ़ोटो वगैरह ले सकते थे। तो मैं पांडे जी के साथ यहाँ पे अपना थोड़ा सा वीडियो बना रही थी और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं और दीदी लोग सब लोग हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके साथ वीडियो बना रहे हैं और फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं, यही सब चल रहा था। हर कोई फ़ोन ले लेके देखिए सेल्फ़ी ही क्लिक करने में लगा हुआ है। और फिर हम लोग करते हैं डिनर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं और दीदी हैं और मैं हूँ और ये देखिए पीछे सब लोग लगे हुए हैं अपना खाने पीने में। और ध्रुही बेबी का कुछ पता नहीं है क्योंकि वो इतने सी जगह में पूरा घूम घूम के चारों तरफ खेल रही थी। सब लोग सब बच्चे खाने में थे पर वो खेलने में ही लगी हुई थी। और यही था सप्ताह। तो यहाँ कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लगा दे रही हूँ और एंजॉय करिए। और ये देखिए दीदी की क्यूट सी अपनी भतीजी के साथ फ़ोटो, यहाँ पर सब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ देखिए ध्रुही को। तो इस तरह से हमने खूब मस्ती की है शादी में, उसके बाद खा पी के हम चले आए हैं। तो ज़्यादा व्लॉग वेडिंग का नहीं बना पाई हूँ उसके लिए सॉरी। और गांव का कल्चर है तो आई होप कि आप लोग समझेंगे कि कुछ बाउंडेशन होती हैं, इतना ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं होते हैं तो उन चीज़ों को मैं एकदम फ्रीली नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देती रहिएगा और ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ गाँव से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पे। तो ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी और पांडे जी की। तो चलिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा और जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।